मूवी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के एक सेंटोरियम से। वक्त है 1974 का। यह सेंटोरियम डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया है। जो भी डिफॉर्म लोग यहाँ रहते हैं वो बर्थ डिफेक्ट की वजह से डिफॉर्म हुए थे। उसी वक्त डॉक्टर ब्रेंडन आते हैं और डॉक्टर एना को कैदियों के बारे में बताते हैं, लेकिन कुछ डिफॉर्म लोग डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेते हैं और उनके बालों में से एक हेयर पिन को निकाल लेते हैं। डॉक्टर ब्रेंडन और डॉक्टर एन आगे बढ़ते हैं। तब डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को इलीगल ब्रदर्स के सेल में लेकर जाते हैं। वो तीन ब्रदर कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर, सौतूत और वन आई होता है। डॉक्टर ब्रेंडन बताते हैं कि ये तीनों भाई मिसेस हिलिकर को एक जंगल में मिले थे और इसी वजह से इन तीनों को इलीगल ब्रदर्स कहा जाता है। जब ये तीनों भाई मिले थे तब ये अपने पेरेंट्स को खा गए थे। उसके बाद डॉक्टर उसे सबसे खतरनाक पेशेंट के बारे में बताता है। ये तीनों अभी बच्चे थे लेकिन बहुत खतरनाक थे। वो कितने खतरनाक थे इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। उनमें से एक अपनी दो उंगलियों को खुद ही खा चुका था और इसलिए उसका नाम थ्री फिंगर पड़ा। एक ने अपनी एक आंख निकालकर खा ली थी और इसलिए उसे वन आई कहा जाता है। और इन लोगों में तीसरा जो कि अपने दांतों को दीवारों से रगड़ता रहता था और इसलिए वह सौतूत था। उसने बहुत सारे पेशेंट को काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। इन बातों को सुनकर डॉक्टर एन कहती है कि ये तीनों इतने सारे दर्द को कैसे सह लेते हैं। तब डॉक्टर ब्रेंडन बताते हैं कि इन लोगों को तकलीफ महसूस नहीं होती है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन के बालों से पिन निकाला था वह अब लॉकअप को खोलने लग जाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वह ज्यादा होशियार नहीं होता है। यह करते हुए वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं। इसे देखकर वो तीनों उससे पिन मांगते हैं, जिस पर वह शख्स इन तीनों की तरफ वह पिन फेंक देता है। उन तीनों भाइयों में सबसे तेज थ्री फिंगर उस लॉकअप को खोल लेता है। चुपके से ये तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। तब ये लोग कंट्रोल रूम में जाकर सारे सेल्स को खोल देते हैं। इसके बाद से वह जगह पूरी तरह से पागल खाने की तरह बन जाता है। वो तीनों लोग डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ये लोग डॉक्टर एन को तब तक शॉक्स देते हैं जब तक उसका दिमाग पूरी तरह से पक नहीं जाता। इसके बाद वो लोग डॉक्टर ब्रेंडन को भी पकड़ लेते हैं। ये लोग डॉक्टर ब्रेंडन को बहुत बुरी मौत मार देते हैं। इसके बाद हमें 29 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें 9 स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि स्नो में मस्ती कर रहे थे। उन्हें रात होने से पहले अपने ठिकाने पर लौटना था, लेकिन वह रास्ता भूल जाते हैं और वो लोग एक खतरनाक तूफान में बुरी तरह फंस जाते हैं। इसी दौरान उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है। वो सब लोग उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि वहां उन्हें कितना खतरा है। वो बिल्डिंग वही सेंटोरियम था जहां ये तीनों भाई रहा करते थे। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं इन्हें पता चल जाता है कि ये एक हॉस्पिटल था। तब ये लोग आग जलाकर आराम से वहां बैठ जाते हैं। जैसे ही लाइट सारे हॉस्पिटल में आती है ये लोग पार्टी करने की सोचते हैं और ये लोग खूब मस्ती में वाइन पीते हैं और सारे हॉस्पिटल में हल्ला मचा देते हैं। लेकिन इस दौरान इन्हें पता नहीं होता कि कोई उन पर नजर रख रहा है। पार्टी करते करते ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक फिल्म की डीवीडी मिलती है। डेनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डालकर प्ले करता है। उस वीडियो में था कि इलीगल ब्रदर्स पर किस तरह के जुल्म किए जा रहे थे। उन पर बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनमें से कई एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक थे। फिल्म देखकर एक लड़की कहती है कि उनका भाई इन तीनों के बारे में बहुत खौफनाक कहानियां बताता था। वह कहती है कि ये लोग बहुत खतरनाक थे और लोगों को बहुत बुरी मौत मारते थे और उन्हें मारकर खा जाते थे, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आता है। तब सभी लोग सोने चले जाते हैं। रात को सब लोग अच्छे से सो जाते हैं, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आती है। तब वह बाहर जाकर टहलना शुरू कर देता है। वह देखता है कि सामने कोई खड़ा था। वह देखता है कि सामने उसी का दोस्त वॉटर है जिसके कैबिन में उन्हें लौटना था। जब वह उसके पास जाता है और उसे छूता है तो देखता है कि वह मर चुका है। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है सौतूत उसके सामने आ जाता है और एक आयरन रोड उसके सर पर घुसा देता है और उसे जान से मार देता है। अगले दिन सुबह हो चुकी होती है, लेकिन तूफान अब तक नहीं थमा था। वहाँ विंसेंट मिसिंग था, इसलिए जैना विंसेंट के बारे में सब लोगों से सवाल करती है, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा था। इसके साथ साथ उन लोगों का सारा सामान भी गायब हो चुका था, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि शायद विंसेंट इस बार भी कोई मजाक कर रहा है। सारे लोग विंसेंट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनमें से 4 स्टूडेंट्स बेसमेंट की तरफ जाते हैं। वहां उन्हें एक अजीब तरह का केज मिलता है जहां बहुत तरह के खतरनाक हथियार रखे होते हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं तब उन्हें सारे सेल्स मिल जाते हैं जहां इन तीनों इलीगल ब्रदर्स को रखा गया था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि वहां बहुत सारा खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। बेसमेंट काफी बड़ा होता है, इसलिए वो लोग अलग अलग हो जाते हैं और विंसेंट को ढूंढने लगते हैं। अलग होने के बाद जैना किचन में जाती है जहां वह देखती है कि सौतूत बर्तन के टुकड़े कर रहा है। तभी थ्री फिंगर वहां आकर सौतूत को वहां से ले जाता है। यह सब देखकर जैना भी वहां से जल्दी से भाग जाती है। वह उन लोगों के पास आकर सब कुछ बताती है। तभी वॉटर के जैकेट में कुछ उनके सामने आकर गिरता है। केनिया उसे चेक करने के लिए जाती है। जैसे ही वह उस जैकेट को खोलकर देखती है तो वहां वॉटर का कटा हुआ सर होता है।
ये तीनों उसका सर देखकर काफी डरे हुए होते हैं। तभी ये तीनों भाई क्लेयर के गले में तार डालकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। तब काइल जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है। वह उसे बचाना चाहता है लेकिन उसके खून से वह पूरी तरह नहा जाता है। इतनी कोशिश करने के बाद भी वह काइल को नहीं बचा पाता है। उसका सर धड़ से अलग होकर गिर जाता है। यह देखकर वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी स्नो मोटर्स चल नहीं रही थी क्योंकि इन तीनों भाइयों ने स्नो मोटर्स की स्पार्क प्लग निकाल दी थी। यह सब होता देख इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम लॉरेन होता है वह स्केट चैंपियन थी। वह डिसाइड करती है कि स्केटिंग करते हुए वह मदद मांगने के लिए आगे जाएगी। तब वह मदद लाने के लिए वहां से चली जाती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े नहीं थे। गर्म कपड़े नहीं होने के कारण ये लोग आगे नहीं जा पाते हैं। तब ये लोग इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक करने का प्लान बनाते हैं। तब ये लोग जल्दी से भागकर ऑफिस में जाते हैं और खुद को अंदर से लॉक कर लेते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं था। बेसमेंट में इन लोगों ने बहुत सारे हथियार देखे थे इसलिए कुछ लोग उन हथियार को लाने के लिए नीचे जाते हैं। वहां पर थ्री फिंगर इन लोगों के पीछे पड़ जाता है। तब ये तीनों जल्दी से जाकर एक केज में छुप जाते हैं। जब थ्री फिंगर वहां से चला जाता है तब ये लोग बाहर निकलते हैं और वहां से बहुत सारे हथियार ले जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस के दरवाजे में छेद करके केनिया को पकड़ लेता है। वहीं पर एक दूसरी लड़की सोतूत के हाथ में ब्लेड मारती है। तब सोतूत उसे छोड़ देता है। इधर ये तीनों बेसमेंट में से भाग रहे होते हैं। सबसे पीछे डेनियल होता है। तभी सोतूत डेनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन की तरफ ले जाता है और वहां ले जाकर उसे बांध देता है। जब ये लोग ऑफिस पहुंचते हैं तब देखते हैं कि डेनियल उनके पीछे नहीं है। इधर ये तीनों भाई डेनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं जिसके चीखे सब लोग सुन सकते थे। इन लोगों के ऑफिस में बहुत बहस होती है और लास्ट में ये सब लोग उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। तब काइल देखता है कि ये तीनों भाई उसके मसल्स को काटकर उसे तेल में फ्राई करके खा रहे थे। यह देखकर वे लोग सोचते हैं कि वो डेनियल को नहीं बचा सकते हैं। तब वो लोग डिसाइड करते हैं इन तीनों ब्रदर्स को वो लोग ट्रैप में फंसाएंगे। ये सोचते हुए ये लोग उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। तब काइल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है लेकिन केनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। केनिया काइल से रिक्वेस्ट करती है कि वह इन्हें नहीं जलाए। तब काइल इस जेल के किनारे पहरा देने के लिए रुक जाता है और ये सारे लोग जाकर सो जाते हैं। इन लोगों को उसी सेल में लॉक किया गया था जहां ये लोग 29 साल पहले लॉक थे। उन लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह थी जिस पिन से इन लोगों ने उस लॉक को खोला था वह पिन अभी भी वहीं पड़ी थी। तब थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाकर लॉक को खोल देता है और बाहर आते ही ये लोग काइल को पकड़ लेते हैं। जब केनिया काइल को चेक करने के लिए जाती है तब खुद ब खुद जनरेटर बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। और वहां पर आकर वह देखती है कि ना तो वहां पर काइल है और ना ही वो तीनों सेल के अंदर है। वह वापस आकर सबको बताती है कि वो तीनों सेल से बाहर आ चुके हैं। उसी वक्त कोई दरवाजे पर आ जाता है जिसका फेस कवर होता है। वो लोग समझते हैं कि शायद ये थ्री फिंगर है जिसे वो लोग बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। वो लोग उस शख्स को इतना मारते हैं कि वो जान से मर जाता है। उसे मारने के बाद ये लोग उसका फेस देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो थ्री फिंगर नहीं बल्कि काइल था जिसकी जुबान कटी हुई थी। उसे देखकर वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ये तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते ये लोग उनके रूम्स तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन लोगों का सामान भी रखा हुआ था। वो लोग अपने गर्म कपड़े पहनकर खिड़की से बाहर आने का डिसीजन लेते हैं लेकिन वह एक सेनेटोरियम था और इसलिए सारे विंडोज सील्ड थे और वहीं पर उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिलती है लेकिन उस खिड़की के पीछे बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी। सारा उस बर्फ को हटाने लगती है लेकिन उसी वक्त वो तीनों भाई भी वहां पहुंच जाते हैं। थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। थ्री फिंगर के बाद अब सोतूत उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। इतनी ही देर में सारा बर्फ से एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और वो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं लेकिन जैना बाहर नहीं निकल पाती है और वो वहीं फंस जाती है। सोतूत ड्रिल लेकर उसे मार देता है। बाकी तीनों जान बचाकर वहां से भागते हैं लेकिन वो तीनों भाई भी इन लोगों के पीछे आते हैं। सोतूत ब्रिजिट को पकड़ लेता है जिस पर चाकू से वो उसके हाथ पर हमला करती है। तब वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें लॉरेन दिखाई जाती है जो बर्फ जमने की वजह से मर चुकी होती है। यहाँ सैड मोमेंट ये है कि रोड उसके सामने होती है लेकिन तूफान की वजह से उसे नजर नहीं आया और वो हिम्मत हारकर वहीं बैठी रह गई। अब सिर्फ केनिया और सारा ही बचे होते हैं और केनिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। वन आई उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। अभी वो केनिया को पकड़ने ही वाला होता है कि सारा उसे मारकर